व्यक्ति अपने पेरेंट का ज्यादा ख्याल रखे, ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड कुरिकुलम, बट दिस इज नेक्स्ट। और दूसरी बात क्या है कि बेटियां जो ठान लेती हैं उसको कर लेती हैं, लड़के डाइवर्ट हो जाते हैं, लेकिन लड़कियां जो चाह लेती हैं मैं इसे करूंगी मतलब कर लेती हैं। और जो शिक्षिकाएं होती है मैं उसको भी मानता हूँ, बहुत जगह हम लोग ऑब्जर्व किए हैं, तो शिक्षिकाएं भी बहुत शिक्षकों से अच्छे डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं, क्यों? उनके अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। शिक्षक और बच्चों के बीच सबसे बड़ा संबंध क्या है? इमोशनल अटैचमेंट। आप कभी कभी पेरेंट के बात को नहीं मानते होंगे लेकिन शिक्षिका के बात को मानते होंगे, ये होता है, हम लोग साथ भी होता था। तो ये इमोशनल अटैचमेंट जो होता है ये शिक्षक से ही आपको मिलता है, इनका मार्गदर्शन मिलता है, गाइडलाइन मिलता है। और इसमें भी जो हमारे लेडी टीचर होते हैं उनमें तो कमाल का चीज होता है इमोशनल जो अटैचमेंट वाला। तो स्कूल हम लोग आए तो दो चार बातों का ख्याल रखें, कंटेंट पर हम लोग चर्चा करें, कंटेंट क्लियर करके जाए, शिक्षक शिक्षिका और अपने गुरुजनों का सम्मान करें। खाली पढ़ लिख लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि एक आइडियल सिटीजन बनना है हमारे कंट्री को पूरे वर्ल्ड में और समृद्धशाली प्रॉस्पेरस बनाने के लिए। ये हम और आप मिलकर ही कर सकते, सब मिलकर, मतलब हम लोग नहीं भी कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। और हम लोग झारखंड से आए हैं, शिक्षकों में एक दल आया हुआ है और हम लोग आगे यहाँ बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग्स में हम लोगों ने देखा और समय कम है फिर भी जहां जा रहे हैं बच्चों से मुखातिब हो रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातों को लेके जा रहे हैं, आपकी यादों को लेके जा रहे हैं झारखंड सरकार के स्कूलों में भी हम लोग बिखेरने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।